हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने जाना यूट्यूब चैनल पर। और ये गाइस कबूतर हमारा एक बजे आ रहा था, कुछ समथिंग ये इतना ही बज रहा था, और इसने तीसरी बार पलट मारी थी। और इसे हाथ में जब तीसरी पलट मारी तो इसे खैरा ने पकड़ा और कम से कम एक दो मिनट लेके इसे उड़ता रहा। फिर चील ने जो मारा गाइस तो ये छुट गया, और छुटने के बाद बहुत तेज़ी में ये घर पर आ गया। और ये देखे गाइस, ये अब थोड़ा सा फट चुका है, तो इसे बहुत ज्यादा ही फट चुका है। ये समझ लीजिए इस लायक नहीं है कि अब इसे उड़ान ली जाए इसकी ज्यादा मजीद। तो बहरहाल इसकी तुरपाई कर रहे थे, बहुत सारे लोग करते हैं। तो गाइस सुई आती है एक तुरपाई वाली, बहुत छोटी बारीक सी, फिर इन सब चीजों के मतलब उससे तुरपाई वाली सुई आती है जिससे रफू होती है, बारीक महीन, बिल्कुल बारीक महीन सुई होती है, उससे हम जो है कबूतरों को इससे सीते हैं, टाक के लगा रहे हैं इसके, और इसे गोली दे देते हैं एविल 25 की, ताकि ये ज्यादा महसूस ना कर पाए। और इसकी रान जो है फट चुकी है पूरी, पंजा घुसा हुआ था जो भी था, ले जा रहा था एक मिनट तक तो पंजे में रहा कबूतर। हाँ, बहरहाल ये देखिए आप, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, और खुद से कोई कोशिश ना करे भाई साहब, जो प्रोफेशनल हो, जो प्रोफेशनल हो वो ही करे। और गाइस धागा ले जिससे पतंग उड़ती है वो पूरा है, या वायर हो गाइस, बारीक बंदी। हाँ, और कोई भी गाइस कबूतर की जान के साथ ना खेले, कोई जो प्रोफेशनल इंसान हो वही से करें। हसीन उस्ताद तो बहुत पहले से करते आ रहा है, क्योंकि अक्सर हर साल ही हमें कोई ना कोई देखने को हो जाता है। ये तो हर चीज़ है, हर साल ही है जी हमारे साथ, ये कबूतर सीना अपना ही नहीं औरों को भी सी देते हैं, चाहे मिलने वाला हो चाहे ना मिलने वाला हो, आपस में ही मुखालफत है कबूतर ना लेन देन की, कबूतर से कोई मुखालफत नहीं है। तो अगर किसी और का कबूतर भी खैरे से जख्मी हो या बीमार हो, भैया दवाई ही पूछ ले, वो बात अलग है। इसमें हल्दी भीड़ लगा दो या क्या है बोले, सुरमा डाल दो, पान थूक के डाल दो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मगर ये जो फटता है कबूतर, बहुत लंबा फटा है ये कबूतर, ये इन सब चीज़ों से रिकवर नहीं होने का, कि हल्दी बीट लगा दी, सुरमा लगा दिया या पान थूक के थूक दिया इसके ऊपर, इन सब चीज़ों से रिकवर होने वाला नहीं है ये कबूतर। बहुत गहरा घाव था, बहुत अंदर तक फटा हुआ था। ठीक है गाइस, ये इसे जो है इसकी अब हो रही है, बहरहाल ये अब अगले साल ही काम आएगा, अब इसका रेस्ट करने का टाइम है, इसे उड़ाया नहीं जाने का, और उड़ान में इतने कम दिन बचे हैं, ये रिकवर नहीं होने का जब तक हमारी उड़ान होगी। छह दिन बीच में हाँ, मगर गाइस इसने भी दंगाबाजी कर रखी थी, तीसरी बार पलट मार के लेके जा रही है, और बस मन से यही आ रहा था कि खैरा खड़ा है कि इसे लेके जरूर जाएगा, हल्की उड़ान से उड़ रहा था, काफी ज्यादा पाकिस्तानी कबूतर है, घर के कबूतर है पाकिस्तानी कबूतर है। बहरहाल इसका जो है हो गया गाइस, देखो सातवा टाका है, और ये देखिए कबूतर, आप इसे हमने बिल्कुल पहले महीन थोड़ी सी एविल 25 दे दी थी, कबूतर को महसूस नहीं हो रही है ज़्यादा, गरम गरम घाव में पता नहीं लगता कबूतर को, और इंशाल्लाह पता भी नहीं लगने का, और इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा। तो उड़ाने कम है और जानवर है ज़्यादा, जानवर है बहुत ज़्यादा गाइस, तो आने वाले दिनों में गाइस देसी होंगे कम और पंजाबी करेंगे ज़्यादा, जैसे हालात है गाइस बहुत ज़्यादा जानवर मार रहा है, हद से ज़्यादा, कबूतर 5-6 है और जानवर 10-15 है, तो बताओ कैसा बचेगा कबूतर। ज़्यादा टाइट मत करियो सिंह भाई, लूज छोड़ दिया थोड़ी सी, और इसके जो है अभी वो हिला मत बाबू। ये देखिए गाइस अल्लाह के शुगर से एक कबूतर और मेरा परसों मरा कल सिरा, वो भी बहुत फटा हुआ था, वो जिन लोगों ने पकड़ लिया था, हालांकि उन्होंने दे दिया था मगर देर से दिया था, अगले दिन का कबूतर वो गाइस वो 3 बजे उड़ा था, रात रुक गया था, अगले दिन 11 बजे से खैरा ने पकड़ लिया, 11 बजे तो गाइस उन्होंने देने में बड़ी देरी करी लोगों ने,
अगर वो पहले दे देते तो वो कबूतर भी बच जाता। उन्होंने बेचारों ने उनकी मेहरबानी है, मगर वो कबूतर घर आ गए, अगले दिन मर गया, फूल लिया था बहुत ज्यादा वो कबूतर। थोड़ी सी वो ले ले चाचा, जरा हल्दी वीर ले ले, हल्दी वीर, हल्दी ले ले, हल्दी थोड़ी सी, और देसी तेल ले लियो, देसी तेल तो यहीं रखा, चल हल्दी ले ले। और ये देखिएगा इस कबूतर होश में चल रहा है, बहरहाल तो इसे टांग उठा के चल रहा है ये। बहुत प्यारा कबूतर, बड़ा उड़ंची कबूतर है, इसके माँ बाप भी बहुत उड़ते थे। तो गाइस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बने रहिए हमारे साथ। सफ़ेद गिर रहा है किसका।